हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैंने बनाई है जलेबी। ये जलेबी मैंने आटे से बनाई है और ये एकदम कुरकुरी जलेबी बनी है। एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखो आप, ये कितनी कुरकुरी बनी है। और इसका जो चाशनी है वो इसमें एकदम अंदर तक गया है। जलेबी हमारी राष्ट्रीय मिठाई है और खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो हमारे घर पर जलेबी बननी ही चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि जलेबी हमारी राष्ट्रीय मिठाई है। और आप भी इसको बनाइए, सबको खिलाइए। तो चलिए मिलके सीखते हैं कि आटे की जलेबी कैसे बनती है। जलेबी बनाने के लिए मैंने 1 कप आटा लिया है। तो सबसे पहले हम जलेबी के लिए बैटर बनाएंगे और इसमें डालेंगे पानी। तो इसी कप से नाप के डालेंगे। तो ये 1 कप पानी लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, मिला लेंगे इसको, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये मैंने पूरा 1 कप पानी डाल दिया है इसमें। मिला लिया है मैंने 1 कप पानी डाल के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इनो। ये ब्लू वाला इनो है, ब्लू वाले इनो में कोई भी फ्लेवर नहीं होता है, तो ये ब्लू वाला ही डाला है मैंने। मिला लेंगे। अभी ये जो बैटर है ये बहुत गाढ़ा है तो इसमें और पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आधा कप पानी मैंने और लिया है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इनो डालने के बाद ये जो बैटर है जलेबी का ये फ्लफी हो जाएगा। तो इसका जो फ्लफीनेस है इसको बचा के नहीं रखना है, सारा ख़त्म करना है। तो इस तरीके से मिलाते हुए बैटर में मैं 1 टेबल स्पून घी भी डाल देती हूँ। और अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। तरीके से 5 मिनट हो गया है मुझे बैटर को फेंटते हुए, और इतना बैटर बनाने में मुझे 1.5 कप पानी लगा भी नहीं है। ये देखो मैंने आधा कप फिर से लिया था, जिसमें से आधा पानी बच ही गया है। तो इसी तरीके का बैटर बनाना है। ये मैं एक बार दिखा रही हूँ, ये देखो इस तरीके का। तो अभी बैटर को हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और तब तक हम जलेबी के लिए चाशनी बना लें। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप चीनी, और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप पानी। तो जितना चीनी है उसका आधा मैंने इसमें पानी डाला है। अब चीनी को हम मीडियम फ्लेम पे पिघलने देंगे। चीनी पिघल गया है और ये उबलने भी लगा है। तो चाशनी हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना करना है कि ये जो चाशनी है वो चिपचिपा हो जाए। तो इसको हाथ पे इस तरीके से लेके देखेंगे ऐसे। तो ये देखो ये जो हमारी चाशनी है वो चिपचिपी हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारी चाशनी है वो जमेगी नहीं। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं, और इसमें लास्ट में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, बस 2 से 3 बूंद ही डालेंगे।
अगर आपका डालने का मन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिला देंगे इसको और ये हमारी चाशनी रेडी है। और अब बैटर के पास चलते हैं। बैटर को बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है बना के, जब तक हमारी चाशनी बन रही थी तब तक ही मैंने रखा था इसको। अब क्या करना है कि इसको ये एक जलेबी मेकर आता है तो इसमें मैं बैटर को डाल रही हूँ। आप चाहे तो किसी बॉटल में भी डाल के बॉटल के ढक्कन के ऊपर एक छेद करके बना सकते हैं। ये मैंने बैटर को जलेबी मेकर में डाल दिया है, अब इससे हम जलेबी बनाएंगे। ये मैंने एक कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रखा है, घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक घी गर्म हो रहा है तो अभी ये जो चाशनी है इसमें मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। इससे जलेबी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मिला देंगे इसको। घी गर्म हो गया है, अब हम जलेबी बनाएंगे तो इस तरीके से घुमाते हुए जलेबी बनाएंगे। अभी गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम जलेबी को तलेंगे। तो जलेबी एक तरफ से ब्राउन हो गया है तो इसको पलट देंगे और इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। जलेबी गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसको निकाल देंगे। अब तो जलेबी को इस तरीके से निकाल के चाशनी में डालेंगे। चाशनी थोड़ी थोड़ी गर्म होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जलेबी को हम चाशनी में नहीं रखेंगे, बस इसको दोनों तरफ से पलट देंगे और इसको निकाल लेंगे। इतने टाइम में ही जलेबी जो है वो चाशनी को अच्छे से सोख लेगा। आधे मिनट के लिए भी नहीं रखना है जलेबी को चाशनी में। तो अब निकाल लेते हैं इसको इस तरीके से। इसमें जलेबी के साथ चाशनी नहीं आनी चाहिए, तो इस तरीके से हम जलेबी को निकाल के प्लेट में रखते जाएंगे। ये मैं एक अलग तरीके से बना के दिखा रही हूँ जलेबी, जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं उस तरीके से। ये हमारी गर्मा गर्म जलेबी बनके रेडी है। ये मैंने इसको दो तरीके से बनाया है, एक इस तरीके से और ये जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं उस तरीके से। और अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ थोड़े से केसर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।